लोकसभा के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत के साथ देश की बागडोर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी। भाजपा ने इस बार 2014 से भी बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बारिश में भीगकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। वहीं पीएम मोदी ने जीत के जश्न में डूबे कार्यकर्ताओं को विजय संदेश दिया, उनका शुक्रिया अदा भी किया और कोटि कोटि नमन भी किया। भाजपा को अकेले दम पर 300 से ज्यादा सीटें मिली है। वहीं एनडीए की बात करें तो ये आंकड़ा 350 से भी ऊपर है। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने 300 सीटों का आंकड़ा छुआ है। इससे पहले साल 2014 में पार्टी ने 282 सीटों पर कब्जा किया था। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद मोदी देश के तीसरे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जो लोकसभा में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही हर राज्य में मोदी लहर का असर देखने को मिला। इस दौरान मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से 28 सीट पर कब्जा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने सभी 25 सीटें जीत ली। भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्लीन स्वीप करने जा रही है। मतलब इन 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा या उसके सहयोगी दल ने सभी सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है। एनडीए जिन 14 जगहों पर क्लीन स्वीप करने जा रही है उसमें से 8 राज्यों में भाजपा का दबदबा है। 17वीं लोकसभा चुनाव जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री और शाह आडवाणी के घर पहुंचे और उनसे पार्टी को मिली बड़ी जीत पर चर्चा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर मुलाकात की एक तस्वीर साझा की और कहा कि इन्हीं लोगों के बदौलत पार्टी जीत का परचम लहराने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़।